सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोदी सरकार के 9 साल के सफर को यादगार बनाने का बीजेपी का मेगा प्लान्स। पीएम राजस्थान के अजमेर से करेंगे कैंपेन की शुरुआत। चार सौ 50 सीटों के लिए बीजेपी बनाएगी 116 समूह। जीती सीटें बचाने और नुकसान की भरपाई का लक्ष्य। शिंदे गुट के एमपी गजनान कीर्तिकर बोले, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही बीजेपी, सीट बंटवारे पर नया फार्मूला स्वीकार नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, गरीब कल्याण योजना के हितग्राही यूरोप की आबादी से दुगने पीएम भाषण नहीं काम करते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम वीरेन बोले, 38 संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाकर्मी तैनात, उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए जापान ने साथ समझौता किया है। सीएम स्टालिन ने निवेश के लिए किया आमंत्रित। नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे केजरीवाल, मान के सीआर केजरीवाल बोले, संविधान का मजाक बन रहा है, पीएम की बैठक का क्या मतलब। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस के 9 सवाल, इनमें महंगाई, अडानी और चीन से जुड़े मुद्दे। जयराम रमेश बोले, पीएम चुप्पी तोड़े। पश्चिम बंगाल के मंत्री बीरबाहा हस्ता की गाड़ी पर हमला, कुर्मी समुदाय ने पत्थरबाजी की, सीएम ममता बनर्जी का होना है कार्यक्रम। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई ईडी की जांच पर रोक से इनकार, नहीं देना होगा 25 लाख का जुर्माना। हरियाणा सीएम के जनसंवाद को लेकर फिर बवाल, महेंद्रगढ़ में उप तहसील की घोषणा पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ने अफसरों पर फोड़ा ठीकरा। बीएमसी चुनाव से पहले फड़वड़ीस का मास्टर स्ट्रोक, झुग्गी वासियों को 2.5 लाख में मिलेगा पक्का घर। मंत्री नब किशोर दास हत्याकांड में ओडिशा पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, एसआई को ठहरा जिम्मेदार। कांग्रेस पर भाजपा का पलटवार, का आकाश से पाताल तक घोटाले करने वाले हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मोबाइल के लिए डैम का 21 लाख लीटर पानी बहाया, फूड इंस्पेक्टर ने 4 दिनों तक पंप से खाली कराया, इससे 1500 एकड़ खेत की सिंचाई होती है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की दुकानों पर मिलेगी दूध, घी, ब्यूटी प्रोडक्ट और रोजमर्रा का हर सामान। वरुण गांधी ने पंडित नेहरू की प्रशंसा की, कहा पन्नाना ने आलोचकों को भी दिया मौका, बना दिया था स्पीकर। मेरठ में शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट, एआईएम और बीजेपी पार्षदों में जमकर हुई हाथापाई, वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हंगामा हुआ। शाहजहांपुर में शपथ ग्रहण के बाद मंदिर पहुंची महापौर अर्चना वर्मा बोली, प्रार्थना करने आई हूं, ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वादों को पूरा कर सकूं।
कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ बैठाई जांच के निरस्त। राज्यपाल की तरफ से जारी हुआ आदेश, फरवरी में जांच टीम का हुआ था गठन। कानपुर में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, फोन करके घर से बुलाया और झोंक दिए कई राउंड फायर, 10 दिन पहले जेल से छूटा था। सनबी में स्कूल से गिरकर 10वीं की छात्रा की मौत, पिता का आरोप, प्रिंसिपल ने फोन कर छुट्टी के दिन भी बुलाया, मैनेजमेंट बोला झूले से गिरी। मेरठ में वंदे मातरम गाने के वक्त एआईएम पार्षद बैठे रहे, मेयर शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम के दौरान बवाल, ओवैसी के पार्षद बिना शपथ लौटे। आगरा फोर्ट स्टेशन पर कार ने मासूम को कुचला, मां स्टेशन के बाहर कर रही थी ऑटो का इंतजार, बच्ची खेलते हुए आ गई थी अंदर। ग्यारह स्पा सेंटर मालिकों पर 20,000 का इनाम, गाजियाबाद में मसाज की आड़ में सेक्स रैकेट चलाते थे। गाजियाबाद में खाना बनाते समय फटा छोटा सिलेंडर, 6 लोग झुलसे, 30% तक झुलसे 2 युवक अस्पताल में भर्ती। बागपत में 2 पशु तस्कर गिरफ्तार, बोलेरो गाड़ी में 11 पशु बरामद, चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दबोचा। सहारनपुर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद, कोर्ट ने 75,000 का लगाया जुर्माना, साल 2013 में सिर में हथौड़ा मारकर की थी हत्या। अनूप शहर में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, फायरिंग में कई घायल, आए 8 पर एफआईआर, 1 गिरफ्तार, गली में ट्रैक्टर खड़ा होने को लेकर हुआ था विवाद। हाथरस में रोडवेज बस चालक और परिचालक की संविदा समाप्त, बारातियों को ले जाने पर की गई थी कार्यवाही, बस को भी हटाने की तैयारी। उन्नाव में किशोरी संग युवक ने अश्लील हरकत का वीडियो वायरल कर दिया, आरोपी फरार, बेटे को थाने उठा लाई पुलिस, पूछताछ जारी। उन्नाव में तैनात 46 दरोगाओं का अयोध्या ट्रांसफर, समय पूरा कर चुके आरक्षी और मुख्य आरक्षी के भी होंगे तबादले। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 1 घायल, असलहे के साथ गिरफ्तार, दूसरा साथी फरार। लूट के लालच में की थी साधु की हत्या, मथुरा पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार, सिद्ध बाबा आश्रम के कमरे में मिला था शव। बरेली सेंट्रल जेल प्रकरण में जमानत अर्जी खारिज, जेल में बंद अशरफ से करते थे मुलाकात, 1,00,000 के इनामी सद्दाम का सुराग नहीं। इटावा में दहेज हत्या मामले में पति व सास दोषी, 7 साल की जेल, 4,000 जुर्माना लगा, 2,50,000 के लिए विवाहिता की थी हत्या। लखीमपुर खीरी में गोवंश का अवशेष मिलने पर हंगामा, पुलिस ने 11 गो तस्करों को गिरफ्तार किया, पशुओं के अवशेष को जमीन में गड़वाया। आईसीसी से जुड़े प्रदेश के 95 जिला स्तरीय अस्पताल, स्वास्थ्य महानिदेशालय में बना कमांडर सेंटर, ओपीडी, दवा जांच सहित हर गतिविधि पर रहेगी नजर। जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्यालय का किया निरीक्षण, वीवीपैट मशीन के रखरखाव का दिया निर्देश, निष्प्रयोज सामग्रियों का करें निस्तारण। बांदा में सड़क निर्माण में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ग्रामीण बोली शिकायत करने पर नहीं हुई कार्रवाई, शिकायतकर्ता पर दर्ज करा दिया मुकदमा।
कानपुर में मोलगंज थाना अंतर्गत चली गोली, गोली लगने से एक घायल, घायल को हैलेट अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर देखा संदिग्ध ड्रोन, संदिग्ध ड्रोन के मामले में डीसीपी सेंट्रल ने लिया संज्ञान, ड्रोन उड़ाने वाले हिरासत में। अलीगढ़ में तैनात क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की प्रयागराज सड़क हादसे में मौत, इंस्पेक्टर की मौत के बाद अलीगढ़ पुलिस ने व्यक्त किया शोक। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 13 वर्षीय युवती की घटनास्थल पर मौत, 3 घायल। ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले विपक्ष को क्या हो गया है, उन्हें अब दलित प्रेम दिखाई नहीं दे रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, कहा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले ओजस्वी नेता। उत्तराखंड में आयोजित हुआ विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के बैठक सत्र, सत्र धामी ने किया शुभारंभ। नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर बनना चाहिए पीएम, सेंगोल सौंपने वाले मधुर अधिनियम के पुजारी का बयान। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में बोले सीएम धामी जल्द लागू होगा यूसीसी, लैंड जिहाद भी स्वीकार्य नहीं। राम मंदिर को लेकर चंपत राय का बड़ा बयान, बोले इसी साल दिसंबर में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। उत्तराखंड में यूसीसी के प्रस्ताव पर सुझाव देने से कांग्रेस का किनारा, बैठक में नहीं पहुंचा कोई भी प्रतिनिधि। केदारनाथ के सुमेरु पर्वत के पास 6 फीट बर्फ में फंसा वृंदावन का युवक, एसटीएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में 2 जगह दर्दनाक सड़क हादसे में 5 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत। उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 4 महिलाओं समेत 5 की मौत। उत्तराखंड में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 15.60 लाख पार, एक दिन में पहुंच रहे 60,000 ज्यादा से श्रद्धालु। उत्तराखंड के खटीमा में शारदा नदी में गिरी कार, 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को निकाला बाहर। उत्तराखंड के देहरादून में शॉर्ट सर्किट से अमूल स्टोर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे बाद पाया काबू। उत्तराखंड के हेमकुंड में मौसम खराब, ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण पर 27 मई तक रोक। धर्मांतरण के खिलाफ देशभर में अभियान चलाएंगे संत, समलैंगिक विवाह को बताए भारतीय संस्कृति के विरोध। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, कुछ घंटों की बारिश ने मचाया तांडव, यमुनोत्री में पेड़ गिरने से महिला की मौत। अमेरिका में दिवाली पर हो सकती है सरकारी छुट्टी, संसद में बिल पेश, अमेरिकी सांसद बोली अलग अलग संस्कृति के लोग हमारी ताकत।
सूडान सिविल वॉर से रुक सकती है सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई, यहां पैदा होने वाली खास गोंद पेप्सी कोक के लिए जरूरी, मेडिकल इंडस्ट्री पर भी असर। भारत को मिल सकता है नाटो प्लस का दर्जा, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी की सिफारिश चीन की घेराबंदी के लिए बताया जरूरी। इमरान के मेडिकल रिपोर्ट, यूरिन सैंपल में शराब कोकीन मिले, 6 महीने प्लास्टर लगाकर घूमे, फ्रैक्चर तो दूर खरोंच तक नहीं निकली। ट्रंप को चुनौती देने फ्लोरिडा के गवर्नर डीटेंटिस जेन से मुकाबले के लिए भारत को बताया था अहम। अमेरिका का दावा, यूक्रेन जंग और खतरनाक होगी, चीफ ऑफ स्टाफ बोले रूस से टकराने हजारों F-16 फाइटर जेट्स जरूरी, ये कोई जादुई हथियार नहीं। भूमध्य सागर में 500 शरणार्थियों से भरी नाव लापता, इनमें गर्भवती महिला और नवजात शामिल, इटली की लाइफ स्पोर्ट शिप 24 घंटे से तलाश रही है। क्वीन एलिजाबेथ को मारने की कई बार रची गई साजिश, 40 साल बाद FBI ने किया खुलासा, बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था आरोपी। रूस पर पाबंदियों का असर, मिसाइल बनाने में इस्तेमाल कर रहा है फ्रिज वॉशिंग मशीन्स के पार्ट्स, सेमीकंडक्टर्स का भी यूज हुआ। ब्रिटिश एयरवेज की कई फ्लाइट्स कैंसिल, करीब 16,000 पैसेंजर परेशान, लगातार दूसरे दिन टेक्निकल प्रॉब्लम। भारत में मिलेगा दुनिया भर में पॉपुलर कॉर्न चिप्स, रिलायंस जल्द 3 फ्लेवर में लॉन्च करेगा एलेंस ब्यूगल्स, 10 रुपए में मिलेगा। गोफर्स्ट मामले में हाईकोर्ट में अब 30 मई को सुनवाई, लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियां विमान वापस आती हैं, फ्लाइट 28 मई तक सस्पेंड। UNFCCC की COP28 एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त किए गए अंबानी, भारत की सुनीता नारायण भी इसमें शामिल रही। हाइब्रिड सुपर कार मैकलेन अटुरा भारत में लॉन्च, मात्र 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है, कार टॉप स्पीड 330। मस्क के न्यूरालिंक को ब्रेन ट्री चिप ट्रायल की मंजूरी, कंप्यूटर और मोबाइल दिमाग से कंट्रोल करने का प्रयोग नेत्रहीन देख सकेंगे। मेटा में एक बार फिर से छटनी, इंडिया में मार्केटिंग एडमिन और HR के एम्प्लाइज को नौकरी से निकाला जाएगा। BMW Z4 MP4 OI Roadster भारत में लॉन्च, सिर्फ 4.5 सेकंड में कार पकड़ती है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की रफ्तार। विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब डॉलर की गिरावट, BOI के ग्राहकों को जमा पर मिलेगा अधिक ब्याज। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में सिकुड़ी, मंदी के संकेत, सिंगापुर पर भी तकनीकी मंदी का खतरा। डॉलर की बादशाहत को मिल रही है चुनौती, वैश्विक लेनदेन में युआन का हिस्सा बढ़ा, अमेरिकी कर्ज संकट ने बढ़ाई मुश्किल। प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने गिल, वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा, IPL के फाइनल में विराट के 2 रिकॉर्ड पर नजर। गुजरात लगातार दूसरी बार IPL फाइनल में, मुंबई को 62 रन से हराए, गिल का सीजन में 3रा शतक, संडे को चेन्नई से मुकाबला।
पहलवानों के सपोर्ट में रोहतक पहुंचा महिलाओं का जत्था, बोली पहले किसानों को मजबूर किया, अब बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला। अहमदाबाद में होगी आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी, रैपर किंग और डिवाइन देंगे परफॉर्मेंस, बीसीसीआई ने जारी किया लाइनअप। धोनी से मिली पथिराना की फैमिली, फाइनल देखने भारत आए हैं श्रीलंकाई बॉलर के रिश्तेदार, बहन बोली मेरा भाई सुरक्षित हाथों में। डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल की प्राइस मनी की घोषणा, पिछले बार के मुकाबले कोई बदलाव नहीं, चैंपियन टीम को मिलेंगे 13.21 करोड़ रुपए। पहलवानों के समर्थन में उतरे स्वामी रामदेव, कहा ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप है, तुरंत हो गिरफ्तार। मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर में चोट ने किया परेशान, चोट की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आए ईशान किशन। शुभमन गिल ने जड़ा एक और तूफानी शतक, मुंबई इंडियंस के खिलाफ तोड़े कई रिकॉर्ड। हार के बाद निराश दिखे रोहित शर्मा, कहा शुभमन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 20 से 25 रन अधिक अपनी पारी में बना दिया। अनुष्का का काउंस लुक सामने आया है, ऑफ शोल्डर गाउन में आई नजर, इंटरनेशनल एक्ट्रेसेस के साथ रेड कार्पेट पर डेब्यू किया। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल विवाद, पश्चिम बंगाल पुलिस के निशाने पर फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा, बोली मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। धनश्री वर्मा ने शेयर किया डांस का वीडियो, पत्नी के डांस पर फिदा हुए यशवेंद्र चहल, कमेंट पर लिखा वाओ। दूसरी शादी के बाद आशीष विद्यार्थी ने दी सफाई, पहली पत्नी से रिश्ता टूटने की बताई वजह, बोले अकेला नहीं चलना चाहता था। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई करीना कृति, दोनों ने साथ में दिए पोज, फैंस बोले गॉर्जियस लेडी। फैन का फोन छीने पर ट्रोल हुई शहनाज गिल, यूजर्स बोले कितनी ओवर एक्टिंग करने लगी है। सलमान खान ने दिखाया विक्की कौशल को एटीट्यूड, बॉडीगार्ड ने मारा धक्का, यूजर्स बोले आम आदमी की तरह साइड कर दिया। प्रियंका ने सिटाडेल में जमकर बहाया खून पसीना और आंसू, बीटीएस वीडियो में दिखाई चोटे, स्टंट टीम को कहा थैंक यू। लकड़ी के बॉक्स में मिला ब्राजीलियन अभिनेता जेफरसन मचाडो का शव, 4 महीने से थे लापता। फिल्म सेल्फी के मजदूरों को अब तक नहीं मिला वेतन, यूनियन ने दिया बायकॉट का अल्टीमेटम। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।